भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक पर सच का एक और स्ट्राइक, बालाकोट हमले का भारतीय दावा पाश पाश हो गया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी तस्दीक कर दी। सैन फ्रांसिस्को की लैब की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। गुज़िश्ता साल और भारतीय हमले के बाद की ताजा तरीन तस्वीर में कोई फर्क नहीं, किसी इमारत को नुकसान तक न पहुँचा। खबर एजेंसी का कहना है भारतीय हुकाम को सवालात भेजे मगर कोई जवाब न मिला। पाकिस्तान का हाई कमिश्नर को वापस नई दिल्ली भेजने का फैसला। पाकिस्तानी वक्त करतारपुर राहदारी पर मुजाकरात के लिए नई दिल्ली जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। तनाव खात्मे के लिए अमरीका, सऊदीया, चीन, तुर्की और दीगर मुल्कों से इजहार तशक्कुर। पाक भारत कशीदगी खत्म करने के लिए वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों को बराह रास्त राब्तों पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा नायब तर्जुमान रॉबर्ट प्लेडिनो का नहीं, गांधी को मारने वाले हुबुल वतनी का दर्स नहीं दे सकते, हम चाहते हैं। फयाजुल हसन का इस्तीफा, उमर अब्दुल्ला मोदी सरकार पर बरस पड़े। हिंदुओं के खिलाफ बयान पर एक वजीर को निकाल दिया गया। भारत में गवर्नर ने कश्मीरियों के बायकॉट का कहा मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वादी के साबिक वजीर आला का ट्वीट, लिखा भारत में हर चीज का मुवाजना पाकिस्तान से किया जाता है, अब खामोशी क्यों? कराची में डालमिया के करीब पुलिस मुकाबला, तीन डाकू हलाक हो गए। शहरियों से लूटमार कर रहे थे, पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गए। हुकाम का बयान, आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकली का इम्कान। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वीआईपी रूम तैयार कर लिया गया। मरियम नवाज के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने अस्पताल मुंतकली से इनकार किया है। अस्पताल दाखिले की सूरत में छठी बार मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। नवाज शरीफ का इलाज ना करना जुर्म है। शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी, जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया उसे अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम जर्फी है। मेडिकल बोर्ड की राय ना मानना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऐप खोल दिए। नैब का आंगन ही टेढ़ा है, इसकी हर चीज में गड़बड़ है। ये बासर अफराद पर हाथ डालने से डरते हैं, क्या कोई इदारा नहीं जो इसका नैब से अल्लाह ही पूछेगा। एनआईसीएल करप्शन केस में जस्टिस गुलजार के कड़े रिमार्क्स। एनआईसीएल करप्शन केस में मोहसिन हबीब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इतना बड़ा केस है और वो आराम से घूम रहा है। जस्टिस गुलजार का सवाल, उन्हें नैब ने तलब किया था। प्रोसिक्यूटर का जवाब, नैब ने चाय पिलाई होगी, केक खिलाए होंगे। अदालत का रद्दे अमल, गिरफ्तार ना करने का हुक्म सिर्फ दो दिन के लिए था, आइंदा हफ्ते पेश होने का हुक्म दे दिया। I, Sayyid Samsam Ali Shah Bukhari, do solemnly swear as the Minister of the Government of the Province of Punjab, I will discharge my duties in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. समसाम बुखारी पंजाब के वजीरे इत्तलात बन गए। हल्फ उठा लिया, गवर्नर हाउस में तकरीब, वजीर आला पंजाब और दीगर हुकाम की शिरकत। अखिलियती बरादरी से मुतालिक नाजेबा बयान पर फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा ले लिया गया था।